सिंघानिया फिनटेक एग्री बिजनेस कंसोर्टियम लिमिटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा हर एक क्षेत्र के हिताधिकारियों से 2000 रुपए लोन दिए जाने के नाम पर संग्रह किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिला। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब न दिए जाने पर आखिरकार चिट फंड कंपनी की हालत को सामने देखते हुए लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पत्रकारों के सवाल के जवाब सुचारू रूप से न दिए जाने पर पत्रकारों पर संस्थान कार्यकर्तागण हावी हो गए। तत्पश्चात बड़े पैमाने पर पत्रकार कार्यालय में एकत्रित हो जाने पर पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया गया। पुलिस प्रशासन के सामने सुचारू दस्तावेज दर्शाने में संस्थान कार्यकर्तागण असफल रहे और तत्पश्चात पुलिस प्रशासन की निगरानी में उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बहरहाल मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन ऐसे चीट फंड तथा दूसरे कई संगठन के साथ साथ नाबार्ड भी जब जुड़ा हुआ है तो लोग कैसे पैसा वसूली कर रहे हैं और किस क्षेत्र में लोगों को लोन दे रहे हैं, इस बात पर भी लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पूरा मामला बहरहाल पुलिस प्रशासन के छानबीन की अधीन है, लेकिन लोगों का ये विश्वास है कि चीट फंड संस्थान की दूसरे रूप के जरिए लोगों से पैसे वसूली का एक नया जरिया खोला गया है, जिसके चलते लोग कई क्षेत्र में झांसे का शिकार भी हो रहे हैं। अगर गलत होगा मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत है, मीडिया होगा तो क्या गलत होगा, आप भी चल जाओगे बड़े सब ले जाओगे ना। चीटिंग फंड गाड़ी तरह पड़े चला कौन सुचित्र बाइक मिल लो सुचित्र बाइक मिल लो आ गए।